हेलो हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त ऑटो राजकुमार। तो आज एक नई जानकारी के साथ फिर से आपके साथ आया हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि जो BS6 का जो इंजन है उसमें ऑयल कहाँ से डालते हैं और चेक कहाँ से करते हैं, आज वो आपको बताने वाला हूँ। और ये सिंगल प्लग डबल प्लग का क्या होता है वो भी आज आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो आज पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और जहाँ जहाँ से आप देख रहे हैं लोकेशन और शेयर बता दीजिएगा, मुझे मदद मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों आपको बताता हूँ कि ऑयल लेवल कहाँ पे देखते हैं। ये आपको ग्रीन दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको लेवल देखने का है दोस्तों। यहाँ से आपको लेवल ऑयल देखने का है और ऑयल जो है ऊपर से डालते हैं, यहाँ से ये ढक्कन खोल देंगे, ढक्कन खोल देंगे ऊपर से ऑयल डाल देंगे दोस्तों। और गियर बॉक्स को ऑयल कहाँ से डालते हैं वो आज आपको बताऊंगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये आपको दिख रहा है ये दोस्तों, यहाँ पे यहाँ से गियर ऑयल को डालते हैं और हर 3 महीने को एक बार गियर ऑयल बदल दीजिए, ऑयल बदल दीजिए दोस्तों। और आपको डबल प्लग सिंगल प्लग का क्या है वो भी आज आपको बताऊँगा दोस्तों। तो डबल प्लग जो है देखिए दोस्तों, ये दो कोयला हैं तो कंपनी ने 2022 का मॉडल को ऐसे दो दिया है और 2023 को सिंगल दिया है, तो उसको डबल प्लग सिंगल प्लग ऐसे बोल के बोलते हैं। और आपने देख लिया होगा यहाँ से, यहाँ पे जो है आपको अगर ऑयल चेक करना है तो आपको मैं अभी बताता हूँ, निकाल के बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अभी निकाल के आपको बताता हूँ लेवल चेक कैसे करते हैं। ये देखिए खुल गया है, 2 मिनट। ये देखिए दोस्तों ऐसा रहता है ऑयल चेक करने का, ये साफ करके आपको बताऊंगा ऑयल कितना है। मैंने ये ऑयल चेक करने का निकाल दिया है और यहाँ पे मार्क है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। देखिए L लिखे हुआ है और ऊपर जो है H लिखे हुआ है। L मतलब कम वाला, कम है ऑयल, H माने फुल है। तो ये अभी आपको बताता हूँ कितना है इसमें, 1 मिनट। तो दोस्तों ये निकाला मैंने, देखिए तो ऑयल जो है L के ऊपर ही है, ये देखिए निकाला मैंने, L के ऊपर ही है तो ऑयल का कुछ कम नहीं है। अभी मैं ग्रीसिंग कराऊंगा तो पूरा ऑयल बदल दूंगा, अभी 10-15 दिन में कराऊंगा मैं तो पूरा ऑयल निकाल दूंगा। अभी तो ऑयल बराबर है इसमें, फिर लगा देता हूँ इसको मैं। तो दोस्तों आपको निकाल के बता दिया और गियर बॉक्स का भी बता दिया। और ये जो सिंगल प्लग डबल जो प्लग जो बोलते हैं ये दोस्तों, ये अगर सिंगल गड्ढा होगा तो सिंगल प्लग बोलेंगे, डबल प्लग है तो डबल प्लग बोलेंगे इसको। तो यही फ़र्क है 2022 में और 2023 में, इतना सा ही फ़र्क है दोस्तों, सिंगल प्लग का फ़र्क है। और दोस्तों और एक चीज़ बताता हूँ आपको मैं, और दोस्तों 2023 का जो मॉडल है उसको जो है डैशबोर्ड बदल के आ जाएगा। यहाँ पे दो आपको दिख रहे हैं ना, ये इंडिकेटर, ये स्पीडोमीटर दिख रहे हैं ना आपको, उसमें जो है ज़रा अलग टाइप का आ रहा है। और उसकी जो बाउंड्रियाँ हैं, ये बाउंड्री पूरी लग के आ रही है। तो डैशबोर्ड में बस इतना सा चेंज है दोस्तों, और कोई चेंज नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए, प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा और जहाँ से आप देख रहे हैं एरिया का नाम ज़रूर डालिएगा दोस्तों। धन्यवाद।